अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवी यानी कि हमने क्या निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवी ठीक है ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड पे एबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर यानी कि रेगुलर पेमेंट हमारी क्या है फाइव थाउजेंड ठीक है एट द एंड ऑफ ईच ईयर यानी कि एंड ऑफ द ईच ईयर है तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है ऑर्डिनरी एनविटी ठीक है कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर टेन ईयर्स एन हमारे पास क्या आ जाएगा टेन ईयर्स और उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या है इधर गिवन आई इज इक्वल टू फाइव परसेंट सिंपली इस परसेंटेज को खत्म करेंगे हंड्रेड पे डिवाइड करेंगे आपके पास जीरो पॉइंट जीरो फाइव आ जाएगा अब हमारे पास जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एनविटी का फार्मूला है पी इज इक्वल टू आर वन माइनस वन प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाय आई सिंपली इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर देंगे फाइव थाउजेंड वन माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस टेन जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थर्टी एट पॉइंट सिक्स जीरो एट पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन फाइव थर्टी एट थाउजेंड सिक्स जीरो एट पॉइंट सिक्स सेवन फाइव रुपीज ठीक है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसके बाद बच्चे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवी अब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवी निकालनी है ऑफ रुपीज फोर हंड्रेड हमारे पास आर क्या है फोर हंड्रेड ईच मंथ फॉर फोर इयर्स। एन हमारे पास क्या है फोर इयर्स। सिक्स परसेंट हमारे पास है इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड मंथली यानी कि एन को आपने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना है और इंटरेस्ट को ट्वेल्व पे डिवाइड करना है और फार्मूला आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवर्टी ड्यू का लगाना है ठीक है जैसे हमारे पास क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू था इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन थ्री है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवर्टी अब हमने फिर से फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवर्टी इफ द साइज ऑफ ईच पेमेंट इज रुपीज टू हंड्रेड यानी कि आर हमारे पास क्या आ गया रुपीज टू हंड्रेड ऑफ ईच पेमेंट पेएबल एट द एंड अब हमने यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एनवटी निकालनी है ठीक है इफ ईच क्वार्टर फॉर एट ईयर्स अब एन हमारे पास है एट ईयर्स और कि ये क्वार्टर quarter है क्वार्टरली है तो आपको पता है उसमें हम एन को मल्टीप्लाई करते हैं फोर से और फोर से मल्टीप्लाई करें आपके पास थर्टी टू क्वार्टरली जो है क्वार्टर uh, आ जाएंगे ठीक है uh, थर्टी थर्टी टू आपके पास जो है क्वार्टर्स आ गए उसके बाद आपने देखें कि इंटरेस्ट ऑफ सेवन परसेंट कंपाउंडेड क्वार्टरली उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या है सेवन परसेंट और इसको सिंपली आपने हंड्रेड से डिवाइड करना है जीरो पॉइंट जीरो सेवन चूंकि ये क्वार्टर है तो आपने फोर से इसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फाइव क्वार्टर ठीक है ये हमारे पास आगे अब आप सिंपल आपने एम टी का फार्मूला लगाना है विच इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई तो ये आपके पास इस वैल्यू पुट करोगे टू हंड्रेड वन माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो जाएगा फोर्टी एट सिक्स एट पॉइंट सेवन सेवन रुपीज ठीक है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन फोर है ये वाला जो है वो मेनली समझने वाला है बाकी तो आपके सिंबल थे मिस्टर अहमद हैज बोरोड रुपीज एटी थाउजेंड अब हमें पता चल गया कि उसने अस्सी हजार जो है बोरो कर लिया है ठीक है फ्रॉम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू कंस्ट्रक्ट इज हाउस अब हमें पहले पता चल गया कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट जो ले लिया है ना वो अस्सी हजार है यानी कि पी हमारे पास यहाँ पे है अस्सी हजार ही विल हैव टू पे बैक द इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स एंड हमारे पास क्या हो गए ट्वेंटी ईयर्स इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट कंपाउंडेड मंथली अब मंथली है तो आपने ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कर दे ट्वेंटी uh, को मल्टीप्लाई कर देना है ट्वेल्व से तो आपके पास टू फोर्टी मंथ्स आ जाएंगे ठीक है और इंटरेस्ट आपके पास क्या है ट्वेल्व परसेंट तो सिंपल आप इसको करोगे हंड्रेड पे डिवाइड जीरो पॉइंट ट्वेल्व और इसको डिवाइड कर दोगे ट्वेल्व पे तो आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन मंथली इंटरेस्ट रेट ठीक है ये आपके पास आ गया उसके बाद यहां पे हमें अब आगे नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है व्हाट अमाउंट वुड ही हैव टू पे ईच मंथ यानी कि हमने लिया तो अस्सी हज़ार प्रिंसिपल अमाउंट उसने अहमद ने ले लिया लेकिन उसने ईच मंथ यानी कि उसकी जो रेगुलर पेमेंट होगी वो क्या होगी हर महीने यानी कि हमने आर को क्या करना है फाइंड करना है कि वो हर महीने जो है वो कितने पैसे जो है वो पे बैक करेगा लोन के ठीक है तो सिंपल यहाँ पे आपने ऑर्डरिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डरिंग एनमेटी का फार्मूला लगाएंगे वन माइनस वन प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाय आई यहाँ पे आपने क्या करना है वैल्यूज़ को पुट कर देना है यहाँ पे आपके पास एटी थाउजेंड आ जाएगा ठीक है ये आर एज इट इज़ यहाँ पे वन माइनस वन प्लस आई हमारे पास क्या है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन की पावर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू फोर्टी डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन इसको सिंपली आप सॉल्व आउट करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा नाइन्टी पॉइंट एट वन नाइन फोर टू ठीक है तो एट्टी थाउजेंड ये वाली अमाउंट ही तो मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू तो एट एटी पॉइंट एट सेवन रुपीज़ ठीक है कि ईच मंथ जो है अगर हम 880.87 एटी पॉइंट एट सेवन रुपीज़ देते हैं तो हमारे जो है पेमेंट पूरी होगी ठीक है बच्चे ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना ये सिम्पल कैलकुलेटर से आ जानी है आपने इसको ऐड करना है 1.01 ठीक है और जिस तरह आप पावर में लेते हो उसी तरह आप पावर में आपने माइनस टू फोर्टी लेना है वैल्यू में तो आपके पास आएगा 0.90 समथिंग ठीक है उसको वन में से माइनस कर लेना है और डिवाइड कर देना है जीरो से तो आपके पास ये आ जाना नाइनटी पॉइंट एट वन नाइन फोर टू फर्दर सिम्पलीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ठीक है ये फोर क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स जो हैं आपने कंप्लीट करनी है टू पॉइंट फोर की नेक्स्ट हम कल करेंगे इनशाला हाफिज़